ये आपका अंडाशय है, ठीक है। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजाणु। अब बीजाणु को देखेंगे तो बीजाणु के अंदर कितनी कोशिका दिखाई होगी? एक दिखाई दे रही है ना इस समय, कितनी है? एक है। और एक के बाद ये जो कोशिका है, ठीक है, अब ये कोशिका एक से कितनी होने वाली है? दो होने वाली है, ठीक है। एक से कितनी नहीं, दो होने वाली है। और दो से कितना होएगा? चार होएगा, ठीक है। दो कोशिका से आपकी चार कोशिका यहाँ पे होने वाली है। और ये मेरी बात यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे चार कोशिका जैसे ही बन जाएगी, चार कोशिका जैसे ही बन जाएगी, इनमें चारों में से तीन कोशिका नष्ट हो जाती है और एक कोशिका के लिए बच जाती है। आप ऐसे यूं देख पाएंगे, तीन कोशिका क्या होगी? नष्ट होगी और एक कोशिका मात्र बच जाएगा। इस तरीके से बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे है? दिक्कत है। अब ये जो कोशिका बची है, ये जो कोशिका आपकी बची है, ये कोशिका आकार में विकास करने वाली है, आकार में बड़ा होने वाला है। आप कोशिका को देखेंगे, ये कोशिका आकार में क्या कर रही है? बड़ा होने वाला है। ये कोशिका जैसे आकार में बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर जो केंद्रक मिल रहा है, एक केंद्र, सेम वैसे ही एक केंद्र से दो केंद्र बनेंगे, एक केंद्र से कितने केंद्र बनेंगे? दो बनेंगे। दो केंद्र से कितने बनेंगे? चार केंद्र का निर्माण होएगा इस तरीके से। और चार से कितना होएगा? आठ केंद्र बनेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ बनेगा टोटल आठ केंद्र का निर्माण हो जाएगा। और आठ यहाँ पे केंद्र बन चुके होंगे, आप देख रहे होंगे टोटल कितने केंद्र हो गए होंगे? आठ हो गए होंगे। जिसमें से एक सुनो, ये क्या हो रहा है पता है? विभाजन हो रहा है। और जब भी कोशिका विभाजन करती है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसका बस कोशिका का विभाजन होता है। तो सबसे पहले विभाजन कितने किसकी हुई है? केंद्रक का। और उसके बाद किसका विभाजन था? कोशिका का होएगा। तो ध्यान से सुनने कोशिश करना, टोटल कितने केंद्र बने हुए हैं? आठ। आठ केंद्र जैसे बन जाएंगे, तीन केंद्र जो होंगे ऊपर वाले किनारे हिस्से में चले जाएंगे और तीन केंद्र जो होंगे नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे। टोटल ऊपर तीन, नीचे तीन हो जाएगा, टोटल कितने जाएंगे? और दो केंद्र बीच में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देख पाएंगे आप, ठीक है, कुछ तरह देख पाएंगे। क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये हुआ आपका केंद्र का विभाजन। क्या बोलेंगे? केंद्र का विभाजन। केंद्र का विभाजन होने के बाद इसके बाद होती है कोशिका का विभाजन। यहाँ पे सबसे पहली कोशिका बनती दिखाई दे रही होगी, ये सबसे पहली कोशिका बनती दिखाई दे रही होगी, फिर उसके बाद यहाँ दूसरी कोशिका बनती दिखाई दे रही होगी, फिर यहाँ पे तीसरी कोशिका बनती दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपका चौथी कोशिका, और ये रही आपकी पांचवी कोशिका, और ये रही आपकी कितनी कोशिका? छठी कोशिका। और ये आपका बड़ी कोशिका, कितनी कोशिका? सात कोशिका। याद करो, मैंने पढ़ाया था कि सात कोशिकीय अवस्था और आठ केंद्रक वाले अवस्था को क्या बोलते हैं? विभाजन। प्रश्न पूछने की बात है, मैं बोला भ्रूण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष। नोट्स देखो, भ्रूण कोष निकालना, भ्रूण